करने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां करीब 100 फीट गहरे कुएं में गिरे एक तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि ये तेंदुआ एक दिन पहले ही जंगल से भटक कर इस कुएं में गिर गया था, जिसकी जानकारी गांव वालों ने वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने कड़ी मशक्कत कर उस तेंदुए को कुएं से बाहर निकाल लिया। बताया गया कि इसके लिए उन्हें तेंदुए को बेहोशी वाला इंजेक्शन देना पड़ा, क्योंकि रेस्क्यू के दौरान वो काफी आक्रामक हो गया था। कुएं से निकालते ही उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। हालांकि काफी देर बाद वो पूरी तरह होश में नहीं आया था। खबर है कि गहरे कुएं में गिरने की वजह से उसे कई गहरी चोटें भी आई हैं, जिसे देखते हुए पहले उसका इलाज किया जाएगा और उसके बाद ही उसे जंगल में ले जाकर छोड़ा जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समान नागरिक संहिता पर विचार करने के लिए केंद्र को निर्देश दिया। एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अदालत की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए संसद को समान नागरिक संहिता के लिए पहल करनी होगी। अदालत ने केंद्र से कहा कि ये देश की जरूरत बन चुकी है। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू करने की बात कही गई है, और इसी मामले में निर्देश देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि समाज में बदलाव के साथ संविधान में भी बदलाव किया जा सकता है। टेस्ट मैच खेलने के लिए पहुंची टीम इंडिया का कानपुर में जोरदार स्वागत हुआ। न्यूजीलैंड के खिलाफ 25 नवंबर से होने वाले टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी कानपुर पहुंच गए। होटल पहुंचने पर इन खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने पर कांग्रेस कई कार्यक्रम करेगी। वो केंद्र सरकार के इस फैसले को सुबह से देश भर में किसान विजय दिवस के तौर पर मनाएगी। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के मौके पर कुतुब मीनार को रंगीन रोशनी से सजाया गया। इसके जरिए दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों और उनके विकास पर काम करने का संदेश दिया गया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू सुबह करतारपुर साहिब में मत्था टेकने जाएंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम ओपी सोनी समेत कुछ मंत्री और विधायक भी होंगे। और तेलंगाना के 15 जिलों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने राज्य में येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कहर बरपाने के बाद बादल अब तेलंगाना में बरसने वाले हैं। जिन 15 जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है उनमें हैदराबाद, खम्मम, महबूब नगर, नारायणपेट शामिल हैं, और इनके अलावा रंगारेड्डी, कामारेड्डी, नलगोंडा, मलकाजगिरी का नाम भी भारी बारिश वाले इलाकों की लिस्ट में शामिल है। मौसम विभाग ने तो ये भी कह दिया है कि अलर्ट में जो बताया गया है उससे भी ज्यादा खराब हालात हो सकते हैं और राज्य पर अगले 2 दिन भारी पड़ने वाले हैं, यानी जितना अंदाजा लगाया गया है उससे भी बुरे हालात पैदा हो सकते हैं। बताया गया कि कुछ जगहों पर रात से ही बादल बरसने लगेंगे जो आने वाले 2 दिनों में खतरनाक रूप ले सकते हैं, इसलिए लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। मतलब साफ है कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के बाद अब तेलंगाना में मौसम बिगड़ने वाला है और मौसम विभाग ने राज्य के 15 जिलों में भी भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी है और येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कहर बरपाने के बाद बादल अब तेलंगाना में बरसने वाले हैं। जिन 15 जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है उनमें हैदराबाद, खम्मम, महबूब नगर और नारायणपेट शामिल हैं। इनके अलावा रंगारेड्डी, कामारेड्डी, नलगोंडा और मलकाजगिरी नाम के भी जिले शामिल हैं जहां बारिश का भारी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अलर्ट में जो बताया गया है उससे भी ज्यादा खराब हालात हो सकते हैं और राज्य पर अगले 2 दिन भारी पड़ने वाले हैं।